दोस्तों साल बदला, टीम बदली, लेकिन नहीं बदली मुंबई इंडियंस की किस्मत। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद रोते हुए दिखाई दिए रोहित शर्मा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुंबई इंडियंस को एक और शर्मनाक शिकस्त झेलने को मिली है। मुंबई इंडियंस को पहले मुकाबले में आरसीबी ने धोया था और दूसरे मुकाबले में उनके चीर प्रतिद्वंदी चेन्नई सुपर किंग्स ने शर्मनाक शिकस्त थमाई है। मुंबई की इस हार के बाद जहां हर तरफ मुंबई इंडियंस की जमकर आलोचना हो रही है और रोहित शर्मा की कप्तानी सवालों के घेरे में है, वहीं चेन्नई से मिली दिल तोड़ने वाली हार के बाद रोहित शर्मा बेहद दुखी और निराश नजर आए। आपको बता दें अजिंक्य रहाणे की तूफानी बल्लेबाजी और ऋतुराज गायकवाड़ की लाजवाब पारी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अजिंक्य रहाणे ने इस साल का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 19 गेंदों में ही 50 रन ठोक डाले थे और 27 गेंदों में 60 रन बनाकर मुकाबले को एक तरफा बना दिया। चेन्नई से मिली दिल तोड़ने वाली हार के बाद रोहित शर्मा मुंह पर हाथ रखे एकदम निराश नजर आ रहे थे। दोस्तों रोहित के चेहरे पर दुखी और निराशा साफ झलक रही थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस इस शर्मनाक हार के बाद वापसी कर पाएगी या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।